सर आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है। थोड़ा पीछे कर लीजिए आप, थोड़ा पीछे कीजिए आप। सुधार हो रहा है, आशा करते हैं कि एक आध महीने के बाद अपना। जी सर, वैक्सीन लिए हैं सर आज? हाँ, कौन सा वैक्सीन? कोविड से। सर लालू जी, जो वर्तमान देश का राजनीतिक हालात है, पेगासस का मुद्दा उछल रहा है, कृषि कानून का, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? शरद पवार जी भी आपसे मुलाकात किए थे आपके घर पर। हर क्षेत्र में देश पिछड़ता जा रहा है, मुश्किल से पटरी पर लाना पड़ेगा, न जाने की इतना वर्ष लगे। सर आप पटना जाएंगे, बिहार जाएंगे, कोई अभी प्लान ऐसा? नहीं, पटना रहेंगे, वहाँ पार्टी है। जी सर, तेजस्वी यादव जब विधानसभा में बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि विधायकों के लिए वो हमेशा खड़े रहने वाले हैं, विधायकों के साथ जो हुआ है उसको कभी, वो आपके अंदाज में कल दिख रहे थे। अंदाज का मतलब है कि पूरा विधायकों को अंदर घुस के पुलिस अफसरों ने पीटा, कभी ऐसा नहीं हुआ था संसदीय लोकतंत्र में। वाजिब है तेजस्वी यादव ने जो कहा। आधारित जनगणना को लेकर के मांग हो रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार कह रही है कि उस तरह से कोई प्लान नहीं है। नहीं, कोई कुछ बोलता रहता, कभी कुछ बोलता, फिर बदल जाते। जातीय जनगणना के मामले में, जातीय जनगणना के जातीय जनगणना तो होना ही है, होना चाहिए, और लगातार हम लोग संघर्ष किए और इसके लिए इधर उधर कोई कोताही नहीं करना चाहिए। सर मुकेश सहनी दिल्ली आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपसे मुलाकात करेंगे बिहार के राजनीति परिदृश्य में। मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली में है सर, और ये माना जा रहा है कि आपके जरिए जो आप काम करना चाह रहे थे ममता बनर्जी कर रही है, पूरे विपक्ष को एकजुट कर रही है। जी अपना कर रहे हो, हम सब अधिकार है बाहर। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, किसी को बनाने से नहीं होता है, खुद बन जाता है। और हम जेल के अंदर थे, तेजस्वी यादव को बिहार में देश ने देखा इलेक्शन में, जिस तरह से क्राउड है, जिस तरह से हमारी सरकार को वहाँ नहीं बनने दिया गया, बनी हुई सरकार।